I think Kyra, Shivani, Kyra didn't pull up at all. And obviously the entire team. And I thank you so much. And obviously thank you to our audience, aapke constant love or support ke liye. अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता और यू नो डे वन से जिस तरह आप लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया, इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत 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 सारा प्यार एंड बहुत बड़ा वाला थैंक यू. सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द लॉर्ड ऑलमाइटी. हमारा मॉक शूट साथ में हुआ था, सर थे साथ में और रोमी सर थे, इन्हीं लोगों ने हमारा मॉक शूट किया था. 4.5 साल हो गया आज माशाल्लाह, 1200 एपिसोड ऑन 9 दिसंबर. एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दी एचआरडी की टीम, टू राजन सर फॉर कास्टिंग एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द सीन्स. इतने प्यारे सीक्वेंसेस, इतने प्यारे सीन्स लिख कर आते, इतना अच्छा शूट होता है हमारे यहाँ, इतना अच्छा एडिट होता है. तो सारी टीम के लिए 3 cheers एंड माशाल्लाह ये जर्नी ऐसे ही बरकरार रहे. डीकेबी के सारे शोज इंशाल्लाह ऐसे ही मे दे रीच द हाईएस्ट ऑफ पीक्स. एंड आप बेंचमार्क बनाइए, आई मेक श्योर दे फॉलो यू इंशाल्लाह. 3 cheers टू कायरा एंड शिवांगी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस. वी डिड 1200 एपिसोड्स ये लोग कैसे अडाप्ट करेंगे उस चीज को. I'm telling you, सारी टीम, सतीश जी भी थे, रमेश जी जो हमेशा हमारे शो सेटअप करते हैं और फर्स्ट डे से आज तक इन्होंने सेटअप किया, रिश्ता कहलाता है, विवेक, ऑल ऑफ अस, एंटायर टीम, निखिल, ऑल ऑफ अस वर देयर, ऋषि, एवरीबॉडी. एंड हम लोग सब वेट कर रहे थे पहला शॉट होगा, देखेंगे व्हाटएवर. एंड जैसे दोनों का पहला शॉट हुआ, सारी टीम ने बोला, दूर से इशारा किया, वी आर सॉर्टेड. बिकॉज जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क, जो याद है हमने जो रिहर्सल्स करी थी राफ्टिंग के अंदर, मैं भी रिहर्सल्स में गया था इसके साथ, पर एक बार नहीं सुना कि नहीं सर ऐसा नहीं करते. हमको बहुत आदत थी उसको सुने कि ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो एकदम से हमारी यूनिट के लिए सब लोग इंस्पायर हो गए. शिवानी का पहला दिन था, आई रिमेम्बर, बहुत धूप थी एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट शेड्यूल, दैट इज शी वॉज नॉट फीलिंग टू वेल. बट सर वन मो, पानी में कूदना सर वन मो, ये शॉट देना सर वन मो, वी सेड यार अभी ब्रेक है, आउटडोर में रेस्ट करो, नहीं एक और शॉट देखे. तो दोनों की जो सिनर्जी स्टार्ट हुई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग रिश्ता हैज गॉट. हमारे पहले की बात है, रिश्ता का कहलाता ऐसे फेज पे आया था जहाँ बहुत लोगों ने चाहा था और बहुत लोगों ने कहा था कि अभी शो की लाइफ खत्म हो चुकी है और इसमें कुछ बचा नहीं है. एंड आई थिंक एक हमारी सारी टीम की, हमारी यूनिट की एक आई थिंक ब्लेसिंग्स होंगी, एक दुआ होगी कि हमारे शो में जो ऐसे दो लोग आए, शिवांगी और मोहसिन, जिन्होंने आके नॉट ओनली वापस एक यूनिट के अंदर हम सबको इंस्पायर किया कि हम और मेहनत करें, वो जो हार्डवर्क, डेडिकेशन, अभी भी मुझे बात होगी 4.5 साल की, बट अभी भी मुझे याद है कि वो ऋषिकेश का पहला जो हमारा आउटडोर था, सतीश भी था हमारे डीओपी साहब का, एंड हम लोग बिकॉज कुछ हुआ था, ऐसी चीजें हुई थी जो
हम थोड़े से थे कि इनका नेचर कैसा होगा, बिकॉज एक तो नॉट ओनली शो इनके कंधों पे आ रहा था, ये रिश्ता कहलाता है, इनके कंधों पे आने वाला था पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया कपल, एक नई जोड़ी आने वाली थी एक ऐसे शो में जो ऑलरेडी एक लैंडमार्क शो बन चुका था. सो वी वर नॉट ओनली